ये मोमो के धागे में आने वाला एक काफी एंटरटेनिंग सीक्वेंस, जिसमें दर्शक देखेंगे कि किस तरह आरू गांव के बाकी औरतों के साथ पहुंच जाती है एडीएम के ऑफिस उनको सबक सिखाने के लिए। ऑडियंस को ये सीन काफी हंसाने वाला है, जहां आप देखेंगे कि सरकारी दफ्तर के बाकी कर्मचारी अपना पेट पकड़ के बेहाल है, क्योंकि सरकारी शौचालय के सामने गांव की औरतों ने जो लाइन लगा ली है। एडीएम आरू को कहते हैं कि वो गांव की औरतों को लेकर वहां से चली जाए। इस पर आरू कहती है कि वो खुद क्यों नहीं जाके खेत में शौच कर लेते। काफी बहस के बाद एडीएम हार मान लेते हैं और वो खेत चले जाते हैं, लेकिन आरू का दिमाग खुराफाती है, जिसके बाद वो गांव की औरतों को लेकर खेत में भी पहुंच जाती है। अब एक बात तो तय है कि सोच बने या ना बने, पर आरू ने इस बार एडीएम को बहुत बढ़िया सबक सिखाया है। आरू की इस नई शरारत से क्या मुखी की जिंदगी में और तूफान आएगा, या फिर एडीएम साहब आरू की अर्जी मंजूर कर लेंगे? आपको क्या लगता है, शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। और टीवी जगत की तमाम ऐसी चटपटी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टीवी प्राइम टाइम हिंदी।